इतना बड़ा खेला था यार, शेट। पंचर की जो दुकान है वो यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे कारंजा में है बोलते। तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। कुछ रास्ते हमारे नक्शों में होते हैं और कुछ रास्ते हमारी तकदीर में। नक्शों वाले रास्ते भले ही छूट जाए लेकिन तकदीर वाले रास्ते पर तो जाना ही है ना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर सोनिक। आई नो दोस्तों की थोड़ा अंधेरा है, अभी मॉर्निंग पे 6 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ चिकलधरा को एक्सप्लोर करने के लिए। हम नागपुर से हम 3 राइडर निकल चुके हैं और साथ में है मेरे पिलियन में मेरा भाई वेदांत। और हमारे नागपुर से चिकलधरा का डिस्टेंस लगभग 236 किलोमीटर है। हमारे स्पीड के हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि हम 2 बजे तक शायद पहुंच जाएंगे वहां पे चिकलधरा में, क्योंकि चिकलधरा पहुंच के हमको दिन भर एक्सप्लोर करना है। रात में आज के दिन रुकेंगे वहां और कल के दिन एक्सप्लोर मार के रिटर्न हो जाएंगे, मतलब संडे को रिटर्न होने वाला है। ये हमारा कुछ ऐसा नॉर्मल सा प्लान है। तो देखते हैं अभी हमारे प्लान पर क्या अमल होता है, वो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको तो पता है कि जो कुछ भी पॉसिबल चीज़ें वो टाइम के साथ हो जाती है, तो छोड़ते हैं टाइम के ऊपर और राइड को करते हैं कंटिन्यू। 2 दिन से पता नहीं एकदम से मौसम सडन चेंज हो गया है और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। अभी मैंने 2 मिनट के लिए फ़ोन यूज़ करने के लिए ग्लव्स निकाला, भाई हाथ ठंडे हो गए मेरे। तो दोस्तों कड़ाके की ठंडी लग रही है। ये मैं इसलिए बताते रहता हूँ ताकि आप फील कर पाओ वीडियो को कि भाई क्या चल रहा है एक्चुअल वीडियो में। वीडियो में अभी चल रहा है कि भाई कड़ाके की ठंडी लग रही है, हम दो भाई कड़कती हुई ठंडी में जा रहे हैं सामने की ओर। आशीष भाई, सुधर भाई आगे जा रहे हैं और हम जा रहे भाई काफी ठंडी में। तो दोस्तों ये है अपना सूरज बाबू और ये अपनी गाड़ी। भाई उधर कर दिया, वेलकम टू मुत्रू ब्लॉग्स। और भाई काफी सुंदर नजारे हैं, सूरज को सवेरे सवेरे कैप्चर करना तो बनता है। दोस्तों अभी लग रही है बहुत जम से भूख, क्योंकि यार अपन नहीं रह सकते भूखे। तो कैसा मतलब रात को ही अपने को भूख लग जाती है, रात के 12 बजे 1 बजे और अपन रात में खाते वगैरह नहीं है, तो मॉर्निंग में उठते हुए बार-बार जो क्रेविंग होती है भाई। अभी तो कुछ देखते हैं सामने में कोई होटल वगैरह ढाबा वगैरह आए तो न पहले बैठ के नाश्ता करेंगे। सुंदर से सूरज के साथ भाई खा रहे गरम गरम पोहा सांबार के साथ एकदम। यस हाई ठंडी, देखो दोस्तों हाई ठंडी मछली यहाँ पे। खाते हैं पोहा, इंजॉय करते थोड़ा। तो दोस्तों बोलते हैं ना, हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफर की एक कहानी। वैसे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज की हमारी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो कि कहानी का रुख बदल ही देगा। तो दोस्तों निकल गए हम नाश्ता करने के बाद टूवर्ड्स चिकलधरा। मस्त गरम गरम पोहा खाया, टेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त था दोस्तों। और बस निकल रहे, राइड को कंटिन्यू करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ा आने वाला है आपको। तो अभी हवा पे हवा हाँ अरे यार, तो दोस्तों गाड़ी पंचर हो गई अपनी। दादू मेन स्टैंड पर लाओ पंचर, देख शेट न्यूट्रल पेडल। भाई राइट, अबे खिला दिख रहा है, देख खिला खिला यार। तो भाई गाड़ी पंचर हो गई है यार, ट्यूब डालो, कहाँ कहाँ रुकेंगे। आशीष भाई भी सामने चले गए हैं। आशीष भाई भी फोन नहीं उठा रहे हैं। दोस्तों अपने राइड में ब्रेकडाउन लग चुका है एक, और साला अभी देखने में आ रहा कि मैं चेक कर रहा था गाड़ी पंचर हो गई है अपनी। भैया से हेल्प मांगते थोड़ा। अब भैया पंचर की दुकान है क्या आजू बाजू? पेट्रोल पंप। ठीक है भैया, थैंक यू। दोस्तों पीछे में एक पंचर की दुकान है, तो अभी जाके यार देखते गाड़ी में पंचर तो दिख रहा है, खिला दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ।
तो भाई ये चीज है यहाँ पर यार, पता नहीं अब ट्यूब का क्या हाल किया है इसने, इतना बड़ा खेला था यार। शेट गाइस, वेदांत को भेज दिया मैंने अभी गाड़ी लेके, भाई का वजन थोड़ा हल्का है तो वो गाड़ी लेके चला गया है, और आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से पेट्रोल पम्प, तो धक्का देना पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। पेट्रोल पम्प तक छोड़ दो ना, पेट्रोल पम्प तक। इतने दूर चलने के बाद सोचा तो था कि अपनी परेशानी दूर हुई, लेकिन वो बोलते हैं ना दोस्तों, किस्मत पर क्या यकीन करें, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत का क्या है। ठीक है अंकल, थैंक यू, बना दो भैया। टायर नहीं खोलते, खोल दो ना। तो गाइस कांड ये हो गया है कि भैया बोल रहे हैं कि भैया को बुलेट का पंचर नहीं बनाना आता है, क्योंकि डिस्क ब्रेक है तो कभी खोला नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। देखते अभी क्या कर सकते। तो गाइस गाड़ी बंद हो गई, और इसका जो पंचर की जो दुकान है वो यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे कारंजा में है बोलते। तो भैया मिल गए, भैया आपका नाम? तो भैया आना नहीं चाहते कैमरा में, भैया अपनी गाड़ी दे रहे हैं हमको, और भैया यहीं पर रुकते बोलते, इतने ट्रस्ट के साथ गाड़ी दे रहे हैं, और अभी जाके देखते कारंजा में अपना पंचर बना के आते। दिक्कत हो गई है गाइस, दिक्कत हो गई है बहुत ज़्यादा, शायद ट्यूब ख़राब हो गया है। और अभी आशीष भाई ने फ़ोन उठाया, नागपुर यहाँ से 78 करा है आशीष भाई ने फ़ोन उठाया, वो बहुत आगे तक चले गए। ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब है, बन जाएगा ना। और यहाँ पर ये दूसरी दुकान थी जिसने हमें पंचर बनाने से मना कर दिया है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो गाइस ये भैया ने हेल्प की है बहुत जबरदस्त वाली, और भाई कोई इतनी गाड़ी ट्रस्ट के साथ देता नहीं, भैया ने अपनी शाइन गाड़ी हमको दी है ट्रस्ट पे, और अभी पंचर वाला बोल रहा है कि भाई चक्का खोल के लाओ, तो भाई मैकेनिक की दुकान में आया है, ये शॉप खोलने का वेट कर रहे हैं, शॉप खोलेंगे, चक्का खोलेंगे, फिर पंचर बनाने लेके जाएंगे, मतलब थोड़ी लंबी प्रोसेस है। और आशीष भाई आगे निकल चुके हैं, तो उनको मैंने बोला कि वहाँ पहुँच जाओ, उसके बाद में हम आ रहे धीरे धीरे। तो गाइस ऐसी कोई पिक्चर हो गई है अपने साथ, लेकिन भैया ने बहुत सही हेल्प की है, मतलब भाई अच्छे कर्म करोगे ना तो अच्छा होगा सब कुछ, बहुत बढ़िया, भैया को एक बार थैंक यू दिल से। सो गाइस फाइनली भैया आए हैं, चक्का निकाल रहे हैं अभी इसको चाहिए। तो गाइस फाइनली अपना टायर रेडी हो चुका है, ये अपनी टायर शॉप वाले विठल टायर वर्क्स करके भैया, इन्होंने भाई बहुत बढ़िया हेल्प की है, टायर ट्यूब मिल नहीं रहा तो भैया ने एक बंदा भेजे अपने लिए, ताकि अपन टायर ट्यूब खोज के लाए, बहुत मुश्किल से ट्यूब मिला है, तो 190 का ट्यूब डला है अभी हमने, अभी यहाँ से राइट आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, टायर फिटिंग करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते भैया आपका नाम। सो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी हो गई है ठीक। अंकल धन्यवाद तुमसे बहुत बहुत, अपने पंचर हो गया है, अभी वक्त हो रहा है लगभग 11 बज रहे हैं, लगभग 11 बज रहे हैं भाई, 9 पूरे 2 घंटे मेरे वेस्ट हुए हैं, और भाई कुछ भैया लोगों ने अपनी हेल्प की है उनको बहुत बहुत थैंक यू भाई, इसलिए भाई नियत साफ रखो भाई, कर्म अच्छे करो तो भाई भगवान हेल्प करने किसी न किसी को भेज देता है, मजाक नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वैसे राइड में थोड़ी मोटी छोटी मोटी छोटर मोटर दिक्कतें आती रहती है, यहाँ से डिस्टेंस बता रहा है लगभग 145 किलोमीटर, 3 घंटे 10 मिनट का टाइम बता रहा है। मस्त चलो रे भैया, भैया घाटी लग गई है अपने को, घाटी और ये हम चले घाटी। तो दोस्तों मुसीबतें तो क्या आती जाती रहती है, मुसीबतों से लड़ेंगे तभी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और भाई इसी का नाम ही तो ज़िंदगी है। वाह भाई व्हाट अ घाटी, मतलब बहुत सुंदर घाटी है ये अमरावती रोड की। जब तक दोस्तों आप असल घर से बाहर असल ज़िंदगी में नहीं निकलोगे ना, बाहर की दुनिया का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं आने वाला है,
जब तक अपन कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले ना, अपने को कुछ नहीं समझने वाला है, कुछ भी नहीं समझने वाला है, कुछ भी नहीं समझने वाला है। दुनिया के लोग, दुनिया के रीति रिवाज बहुत अलग है यार, बहुत अलग है। मैं क्या बताऊँ, बहुत अलग है। ज्ञानी बाबा हाईवे छोड़ के अभी हम थोड़ा कच्चे रास्तों की ओर निकल गए हैं। यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट दिखा रहा है परतवाड़ा के लिए। परतवाड़ा होते हुए अपने को चिकलदरा जाना है और डिस्टेंस मेरा चिकलदरा का यहाँ से लगभग 103 किलोमीटर बता रहा है। पिचारी 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 मेरे ऊपर ना आया भाई गाड़ी। चढ़ाओ अंकल जी, चढ़ाओ गाड़ी, चढ़ाओ, हमको भी चढ़ाने दो। हाँ ऐसा ऐसा नाच रहा बाबा, छोटा हिल रहा। का म्हणते मजा येऊन राहिली का? तो दोस्तों सब्सक्राइबर बनाने की निंजा टेक्निक आपको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, कि आप कैसे एक एक दो दो सब्सक्राइबर जोड़ सकते हैं अपने चैनल में। अभी ये मेरे सामने नहीं, क्या आपको दो लड़के दिख रहे होंगे, लेकिन वो मेरे नज़र में तो मेरे सब्सक्राइबर दिख रहे हैं मुझे, तो इनका अपन भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं आप, अपना रोड बहुत सुंदर है, सामने में मुझे दो सब्सक्राइबर दिख रहे हैं, और इस प्रकार का अपन ने कुछ कंटेंट बना के रखे हो, भाई को दे देंगे अपन। ये है भाई सब्सक्राइबर बनाने की निंजा टेक्निक। बाय कर देते सब्सक्राइब करा रे। तो दोस्तों बोलते हैं ना, मैं अकेला ही चलाता जानी पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहा है पूरा। चला बाय बाय। तो गाइस बाबा को लिफ्ट दिए थे अपन ने, और यहाँ से अपने को लेना है राइट। काफ़ी रोमांचक हमारी राइड चल रही है, मज़े आ रहे हैं रास्ते में, बहुत कुछ मिल रही है। दो सब्सक्राइबर अपन ने बना लिए थे, उनने भी हाई कर दिए, तो रास्ते में बहुत मज़ा आ रहा है। अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, डिस्टेंस बचा है लगभग 75 किलोमीटर। मेरे को कोई टेंशन नहीं है भाई जल्दी जाने की, बड़ा इंजॉय करते हुए जा रहा हूँ मैं। गरीबों का नाश्ता बोली तो अपना उसने भी धोखा दिया, उसने भी धोखा दिया। पार्ले जी के साथ चाय पी लेते, बहुत भूख लग गई थी। बहुत जबरदस्त रोड है यार बहुत ज्यादा मजा आ रही है, बहुत सही घाटी है भाई, बहुत सही घाटी है ये वाली, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। अब यहाँ से मैं अपने भाई को गाड़ी दे रहा हूँ, और भाई मैं तो पीछे से वीडियो शूट करने वाला हूँ। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे, ये हमारा होटल है, और थोड़ा घूम के आना पड़ा है। लोकेशन यहाँ की दिखा रही थी, मैं सोचा था स्टेयर्स चढ़ू कि क्या करूँ तो ऐसी भी हमारी पिक्चर, गाड़ी पंचर हो गई थी, बहुत भयानक। पहुंच गए। अरे क्या बोलते सेठ जी, अरे बहुत बढ़िया ढूंढ के रखे हो तुमने तो, आह पूरा लैविश। क्या बात कर रहे हैं। तो गाइस ये अपना होटल है, देखो बहुत जबरदस्त, यहाँ से नजारे भी दिख जाएंगे।
1 hour later. गाइज गुड इवनिंग। और दोस्तों हम शाम में पहुंच चुके थे यहाँ पर, लगभग 4 बजे के लगभग यहाँ पहुंच गए थे हम। और काफ़ी मतलब गाड़ी पंचर होने के बाद काफ़ी दिक्कत हुई हमको। हमारे दो भाई लोग यहाँ पे पहले ही रुक गए थे। ये होटल का नाम, या फिर बोल सकते हैं ये होटल का नाम है राजा कोठी। तो दोस्तों हम राजा कोठी होटल में रुके हैं और ये यहाँ का मतलब बहुत प्यारा व्यू है और रूम भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अफोर्डेबल नहीं है, थोड़े से मतलब कॉस्टली है। और ये कुछ यहाँ पे हमारी बाइक्स लगी है, ये हमारी कुछ बाइक्स लगी है प्यारी सी। तो अभी हम जा रहे हैं मोजूरी पॉइंट जा रहे हैं। एक्चुअली मोजूरी पॉइंट में है क्या, मोजूरी पॉइंट में सनसेट अपने को बहुत अच्छे से दिख जाता है। और अभी हम बस वही भाई लोग फ्रेश हो रहे हैं और यहाँ से हम जाने वाले हैं मोजूरी पॉइंट। मोजूरी पॉइंट में जाने के बाद हम मतलब एक्चुअल व्यू इंजॉय करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, एक नंबर व्यू अपन इंजॉय करने वाले हैं। शायद यहाँ से डिस्टेंस लगभग 2.2 किलोमीटर है। दोस्तों हम निकल चुके हैं मोजूरी पॉइंट के लिए और हमारे भाई लोग मिल चुके हैं। तो गाइस फर्स्ट देखा, फर्स्ट पॉइंट बोले तो मोजूरी पॉइंट है ये। यहाँ से देखेंगे अपन सनसेट, काफी ब्यूटीफुल, आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो गाइस यहाँ पे टाइम लैप्स लगा दी अपन ने और अभी सनसेट देखो यार बहुत सुंदर है। मेरा भाई और वहां पे अपने बंदे लोग खड़े, यहाँ पे पब्लिक का बहुत ज्यादा रश है। तो गाइस फाइनली यह सनसेट हो चुका है, ये कुछ थोड़ा हल्का सा लाल लाल बचा है, लेकिन भाई मजा है, क्यों देखने में मजा है, पचमढ़ी में ज्यादा मजा है इससे। अरे चिकलदरा में भी है। अरे जन्नत तो मनाली में नहीं, अपन तो चिकलदरा में। तो ये मेरे भाई लोग हैं कुछ, और भाई ये लोकेशन देखने के लिए हम काफी तेजी से आए, पूरा मजे करते हुए आए। और भाई ये फाइनली हो चुका, तेजी से नहीं अपन काफी उत्तेजना से आए और हमारा सनसेट हो चुका है। फिर भी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, थोड़ा लास्ट का जो देखने लायक है दिखाता हूं आपको। देखो क्या प्यारा लाल लाल हो गया है उधर। तो दोस्तों यहाँ से भी निकलेंगे रूम की तरफ और खाना पीना करके रूम की तरफ निकलेंगे। और दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट यहाँ तक ही रहेगा, जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो कल सवेरे मॉर्निंग से स्टार्ट होगा। उसमें हम आपको दिखाएंगे कुछ नए लोकेशंस, 4-5 लोकेशन जो भी प्यारी वाली लोकेशंस है वो कल दिखाएंगे हम आपको। और खाना का क्या, आज हम रेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ एक्सप्लोर सोनिक। टाटा बाय बाय।